एक शांतिपूर्वक हो रहे प्रदर्शन पर जिस तरह से गंदा पानी दूसरी बार डाला गया, मुझे लगता है कि सरकार के संस्कार जो हैं, वो इस गंदे पानी के साथ में उद्घाटित हुए हैं। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना पड़े, इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले एक महीने से पांव में कील चुभा करके पांव को जो है पट्टे बांध करके बैठे। इस बात का जवाब दें कि उस लाल डायरी में क्या था। वो सब लोग मिलकर के इस बात का जवाब दें कि राजस्थान में नित्य प्रतिदिन जो है वो ये बलात्कार की भ्रष्टाचार की घटनाएं क्यों हो रही है। राजस्थान के लोग उस बेटी का दर्द बयान करने के लिए आए थे जिसको पानी की पीने की बोतल में पेशाब मिला करके दिया जाता है। ये तेजाब और पेशाब पर जवाब मांगने के राजस्थान के लोग एकत्रित हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपने पुराने रंग में नजर आई, चुनावी मोड में नजर आई। रण को ढंग से लड़ने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी। सर, अगर कहा जाए कि 4.5 साल में अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए सबसे ज्यादा संख्या आज देखने को मिली, क्या फर्क, क्या अलग रहा बाकी के प्रोटेस्ट और इनके अंदर? देखिए, किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में या तो किसी घटना विशेष की प्रतिक्रिया में किसी तरह की मूवमेंट होते हैं, इस तरह के आंदोलन होते हैं, अन्यथा धीरे धीरे ग्रेजुअली आंदोलन ग्रो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने के सभी नेताओं ने मिलकर के हर विधानसभा के हर गांव तक जाकर के हमने जनाक्रोश यात्राएं की थी। हमने जनता के आक्रोश को मापने और उसको संकलित करने का काम किया, जिलों पर प्रदर्शन किए, हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए, विधानसभाओं के स्तर पर प्रदर्शन किए। आगे बढ़कर के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के स्तर पर पहली बार राजस्थान का जो है सबसे बड़ा महिलाओं का आंदोलन थालीनाद कार्यक्रम यहां हुआ, जहां थाली बजा करके महिलाओं ने इस बैरी सरकार को, गूंगी सरकार को जगाने का काम किया। युवाओं ने आरपीएससी का घेराव अजमेर में किया। किसानों ने झुंझुनू में एक बहुत बड़ी रैली करके और संदेश दिया। आज राजस्थान के हर गांव से, हर ढाणी से, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर कूचे से, हर मजले से, हर फले से दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए थे, यहां आए थे। और वो खुद नहीं आए थे, वो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ में राजस्थान के उन सुदूर गांवों में बैठे हुए, ढाणियों में बैठे हुए लोगों की मन की भावना लेकर के स्वतः स्फूर्त तरीके से यहां आए थे। और यहां आकर के उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। और आज जो आक्रोश यहां व्यक्त किया गया, यह आक्रोश की अग्नि इस वर्तमान की अराजक सरकार, वर्तमान की इस बलात्कारियों का संरक्षण देने वाले, भ्रष्टाचारियों के संरक्षण देने वाले, इस माफिया राज को पनपाने वाली, सांप्रदायिक ताकतों को पोषित और पल्लवित करने वाली इस सरकार को जलाने के लिए पर्याप्त होगी। और जिस तरह से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हमने कहा था कि हम शांतिपूर्वक जाकर के लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करेंगे, एक शांतिपूर्वक हो रहे प्रदर्शन पर जिस तरह से गंदा पानी दूसरी बार डाला गया, मुझे लगता है कि सरकार के संस्कार जो हैं, वो इस गंदे पानी के साथ में उद्घाटित हुए हैं। उनकी सोच कितनी मलिन है, उनके संस्कार कैसे हैं, आज एक बार फिर कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे पर एक मोहर लग गई है। सर, आज आपके मानहानि वाला जो केस था उसके अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला जो है राव एवेन्यूज कोर्ट ने दिया है, कहा है मुख्यमंत्री को जुड़ने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कैसे देखते हैं, कहीं आप मोरल विक्ट्री इसको एक तरह से देखते हैं, उनको पेश होने के लिए कहा गया? देखिए, निश्चित रूप से आज दो तरफी विजय हुई है। एक तरफ जनता की अदालत में जनता ने आक्रोश प्रदर्शित किया और दूसरे न्याय की अदालत में माननीय गहलोत साहब जो प्रार्थना पत्र लेकर के गए थे कि राउस कोर्ट ने जो क्रिमिनल डिफेमेशन सूट में उनको जिस तरह से प्राथमिक रूप से दोषी मानते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है 7 तारीख को, उस ऑर्डर को स्टे किया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने विषय की गंभीरता को देखते हुए निर्णय करके उनकी एप्लीकेशन को खारिज किया और उनको आदेश दिया कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना पड़े, इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले एक महीने से पांव में कील चुभा करके पांव को जो है पट्टे बांध करके बैठे। सर, आखिरी सवाल है मेरा, आज कांग्रेस के कई सीनियर नेता उदयपुर में थे, बेनेश्वर धाम में राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तब प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को परेशान करने के लिए ऐसी जगह पर धरना कर रही है। वो चाहते तो विद्याधर नगर स्टेडियम के पास कर लेते, शहर के बाहर कर लेते, लेकिन पूरा व्यवस्था आमजन की जो है 5 से 6 घंटे बीजेपी ने ठप कर दी। तो उन्होंने आरोप लगाया 4.5 साल तक सोई रही और अब जनता को परेशान करने के लिए आज सब एक हो रहे हैं।
मुझे मैं उनके इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो पूछना चाहता हूं कि वो सब लोग मिलकर के पहले इस बात का जवाब दें कि उस लाल डायरी में क्या था। वो सब लोग मिलकर के इस बात का जवाब दें कि राजस्थान में नित्य प्रतिदिन जो है वो ये बलात्कार की भ्रष्टाचार की घटनाएं क्यों हो रही है। आज राजस्थान की जनता इन सब विषयों को नहीं जानना चाहती। राजस्थान की जनता उन बेटियों का दर्द समुदाय जो है वो बयान करने के लिए यहाँ आई थी, जिन बेटियों को बलात्कार की हवस का शिकार होना पड़ा, गैंगरेप का शिकार होना पड़ा, उन उस बेटी का दर्द जो है बयां करने के लिए यहाँ आई थी, जिसके साथ पहले गैंगरेप होता है, फिर उसको गोली मार करके हत्या का प्रयास होता है, फिर उसके ऊपर तेजाब डाला जाता है और फिर बाद में उसको कुएं में पटका जाता है। राजस्थान के लोग उस बेटी का दर्द बयान करने के लिए आए थे जिसको पानी की पीने की बोतल में पेशाब मिला करके दिया जाता है। ये तेजाब और पेशाब पर जवाब मांगने के राजस्थान के लोग एकत्रित हुए थे, भगवान के अपमान पर राजस्थान के लोग एकत्रित हुए थे। वो बाबा विजयदास जिसको कृष्ण की जन्मभूमि को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के खुद के वादे को याद दिलाने के लिए आत्मदाह करना पड़ रहा था, उसकी चीखों का हिसाब करने के लिए यहाँ एकत्रित हुई थी। इन भ्रष्टाचारियों का हिसाब लेने के लिए राजस्थान की जनता आज यहाँ आई थी। ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना था कि आज जनता का हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर थी और वो सारे मुद्दों का हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर थी जिनकी बात लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 वर्षों से कर रही है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा आज तक।